Hello student, welcome back to our lecture series from PN Institute. In last video lecture, we all are discuss about the packaging of DNA. Okay, now in this video lecture, we are discuss about the search for the genetic material. Okay, during 19th जो century थी उस time पे बहुत सारे scientists ने बहुत सारे discovery करी है regarding to genetic material. उस टाइम पे 1926 ड्यूरेशन में थॉमस एंड मॉर्गन वॉल्टन सटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें क्रोमोसोम के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी, बट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी. तो हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत सारे हमें एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग टू कि किस तरह से जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी हुई है. तो आज हम फर्स्ट सीखेंगे फर्स्ट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था रिगार्डिंग टू देयर जेनेटिक मटेरियल. ओके, 1928 ड्यूरेशन के अंदर फ्रेडरिक ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है. वो एक्सपेरिमेंट को हम बुलाते हैं ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट. उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है किसके बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. ये ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है, उसके फिजिकल फॉर्म में हो रहा है. ओके, ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यूज़ किया है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. क्या है बैक्टीरिया का नाम, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है वो क्या करता है, निमोनिया डिजीज करता है. हम निमोनिया में देखें तो होता क्या है कि निमोनिया में जैसे हमारे एल्विओलीज होते हैं ना जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर यहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है. इन एल्विओली म्यूकस इज प्रोड्यूस, और म्यूकस की प्रोडक्शन की वजह से जो ब्रीदिंग ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए O2 और CO2 का वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है. ओके, तो ये जो बैक्टीरिया थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जिससे निमोनिया डिजीज हो रहा था उनको लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है. उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन्स लिए हैं, जैसे एक स्ट्रेन उन्होंने देखी थी स्मूथ स्ट्रेन और सेकंड थी रफ स्ट्रेन. ये स्मूथ से हम एस टाइप बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं और आर रफ से आर टाइप बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं. स्मूथ स्ट्रेन हम देखें तो वो कैसा था, विरुलेंट था. विरुलेंट मतलब टॉक्सिक इन नेचर. और क्यों टॉक्सिक इन नेचर है, जस्ट बिकॉज इसके सराउंडिंग क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस कोट होता है. और ये म्यूकस कोट किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, अब एक लेयर फॉर्म होती है बैक्टीरिया के सराउंडिंग. जब हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं तो इसके आउटर लेयर में मेन तीन पोर्शन होते हैं. फर्स्ट होता है ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर, सेकंड होता है सेल वॉल और थर्ड होता है सेल मेम्ब्रेन. तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है दो टाइप की हो सकती है, आइदर स्लिम भी पतली सी भी हो सकती है, आइदर थिक भी हो सकती है. जो थिक है मतलब कि बैक्टीरिया कैसे है, ये टॉक्सिक इन नेचर होते हैं और जिसकी वजह से उनकी सरफेस कैसी दिखती है, हमें स्मूथ दिखती है. इस तरह से हम सेकंड बैक्टीरिया देखें तो रफ स्ट्रेन जो मिली उसकी सरफेस एरिया कैसा था, रफ था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये जो म्यूकस कोट है वो फॉर्म नहीं हो रहा था. ओके, जैसे यहाँ पे हम लेके ड्रॉ करें कि उन्होंने एक पेट्री डिश ली, एक पेट्री डिश के अंदर उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को ग्रो किया. ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी था उसमें से एक जो कॉलोनीज मिली उनको वो कैसे कॉलोनीज फॉर्म हो रही थी, स्मूथ कॉलोनीज फॉर्म हो रही थी. और जो दूसरी कॉलोनीज थी वो कैसी फॉर्म हो रही थी, रफ कॉलोनीज फॉर्म हो रही थी. ओके, उन्होंने क्या किया कि यहां से उन्होंने बैक्टीरिया उठाया और देखा कि जैसे हम यहां पे बैक्टीरिया ले ले तो इसके सराउंडिंग किसकी सरफेस लगी हुई थी, म्यूकस की. किसकी सरफेस है यहां पे, म्यूकस की लेयर थी, जिसकी वजह से वो कैसा दिख रहा था उनको, स्मूथ, जिसकी वजह से हम इसको बुलाते हैं एस टाइप. ओके, और यहां भी जो बैक्टीरिया ग्रो हुए हैं उनकी जो सरफेस थी वो कैसी थी, रफ थी, जस्ट बिकॉज की म्यूकस कोट इज एब्सेंट. तो ये बैक्टीरिया बन जाते हैं आर टाइप बैक्टीरिया. ओके, ये जो एस टाइप है वो कैसे है, टॉक्सिक इन नेचर है. कैसे ये टॉक्सिक इन नेचर, और आर टाइप कैसे है, नॉन टॉक्सिक. ओके, उन्होंने ये दोनों टाइप के स्ट्रेन लेके फोर सेट ऑफ
ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं माइस के ऊपर, तो वो देखते हैं हम। जैसे उन्होंने फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट हम ले ले, जिसमें यहाँ पे लिविंग एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन को लिया। एस स्ट्रेन कैसा था, नेचर उसका टॉक्सिक था ना। अब ये टॉक्सिक था, वो बैक्टीरिया को लेके माइस को दिया गया, माइस के अंदर इजेक्ट किया, तो माइस क्या हो जाएगा, मर जाएगा ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द एस टाइप इज अ टॉक्सिक इन नेचर। ओके, मतलब कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये टॉक्सिसिटी की वजह से ये माइस को निमोनिया हो रहा है और वो उसकी वजह से उसकी डेथ हो रही है। सेकेंड ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो लिया है, उसमें उन्होंने कौन से टाइप के स्ट्रेन लिए, आर टाइप, जो कैसा था, नॉन टॉक्सिक इन नेचर। अब माइस के अंदर इजेक्ट किया, तो माइस क्या हो रहा था, यहाँ पे जिंदा रह रहा है, लाइव कंडीशन में ही है, जस्ट बिकॉज कि इसका नेचर कैसा था, नॉन टॉक्सिक था। ओके, थर्ड जो ग्रुप ऑफ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके अंदर उन्होंने एस स्ट्रेन तो लिए है, पर एस स्ट्रेन को कैसा किया, उन्होंने हिट किल किया है। ओके, जब हम बैक्टीरिया को हिट किल करते हैं, तो उनका जो डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वो सेपरेट हो जाता है। क्या हो रहा है, जब हम इसको हिट किल कर रहे हैं, उस टाइम पे जो डीएनए है वो क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। ओके, सेकंड, उन्होंने ये जो हिट किल एस स्ट्रेन है उसके साथ उन्होंने मिक्स किया है। ओके, हिट किल एस स्ट्रेन को दिया, तो यहाँ पे माइस क्या हो रहा था, जिंदा रह रहा था, जस्ट बिकॉज कि डीएनए क्या हो चुके, उसके सेपरेट हो चुके थे। ओके, ये था तो कैसा, टॉक्सिक इन नेचर ना, पर जब हमने हिट किल किया तो वो क्या बन गया, नॉन टॉक्सिक इन नेचर। ओके, फोर्थ जो सेट जो ग्रुप था, उसके अंदर उन्होंने मिक्सिंग ऑफ द हिट किल एस स्ट्रेन विद द लाइव आर स्ट्रेन, मतलब कि ये जो हिट किल एस स्ट्रेन थे वो प्लस आर जो स्ट्रेन था, दोनों को मिक्स करके माइस को दिया, तो माइस क्या हो रहा है, डाई हो रहा है, डेथ हो रही है माइस की। ओके, तो ये देखो, हम सेपरेटली जब इसको दे रहे हैं, किस तरह से भी हिट किल कंडीशन और नॉर्मल आर स्ट्रेन दे रहे हैं, तो उस टाइम पे दोनों कंडीशन में माइस क्या रह रहा था, जिंदा रह रहा था ना, पर यहाँ पे हमने दोनों को मिक्स करके दिया, तो माइस क्या हो रहा है, माइस की डेथ हो रही है। तो उसके अंदर एक रीजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखो, जब हमने ये जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया, उस टाइम पे ये जो एस टाइप था ना, कौन सा वाला, हिट किल वाला, ये हिट किल एस टाइप, ये जो हिट किल एस टाइप में जो डीएनए सेपरेट हो चुका था, वो डीएनए किसके अंदर गया, आर टाइप स्ट्रेन के अंदर, किसमें जा चुका है, वो आर टाइप स्ट्रेन के अंदर। अब आर टाइप के अंदर वो सेपरेट डीएनए जा चुका है, मतलब डीएनए अपनी प्रॉपर्टीज तो छोड़ेगा नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, म्यूकस की कोटिंग फॉर्म करना। तो हो क्या रहा था कि ये जो आर टाइप है ना, ये आर टाइप किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वापस से एस टाइप के अंदर, और एस टाइप तो क्या था, टॉक्सिक इन नेचर था ना, जिसकी वजह से माइस की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। ओके, तो ये साइंटिस्ट ने ऐसा प्रूव किया है कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो हमें ये तो पता लगता है कि भाई ये जो स्ट्रेन है, कौन सी स्ट्रेन, एस स्ट्रेन जो हिट किल है, उसमें से आर स्ट्रेन में कुछ जा रहा है, कुछ मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, पर कौन सा मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, उन्होंने वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी है। जैसे हम यहाँ पे देख ले, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या बताना चाहता है हमें, ही कंक्लूड दैट द सम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल द ट्रांसफर फ्रॉम हिट किल एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम एस हिट किल एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, इट इनेबल्स द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉली सैकेराइड कोट एंड बिकम द विरुलेंट। मतलब कि भाई एस जो स्ट्रेन था, कौन सा वाला था, हिट किल वाला था, उसमें से आर के अंदर कुछ ट्रांसफर हो रहा है, पर क्या ट्रांसफर हो रहा है वो उन्होंने मेंशन नहीं किया है। ओके, और दिस इज द ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, पर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी।
ठीक है। तो ये ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया फोर सेट, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया था जेनेटिक रिसर्च के बारे में कि व्हाट इज अ जेनेटिक मटेरियल, 1928 में दिया गया है ये, ठीक है, याद रखना ये, क्योंकि जब हम सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो हमें ये सिक्वेंस याद होनी चाहिए कि 1928 के अंदर फिर सो ऑन सो कौन कौन से ईयर में आए हैं। ये जो साइंटिस्ट ने तो इतना तो बता दिया कि भाई कुछ ट्रांसफर हो रहा है, पर क्या ट्रांसफर हो रहा है वो नहीं बताया। तो आगे और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्रूफ करके दिखाया है दैट इज द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो वो देखते हैं। चलो अब हम देखिए कि ये जो ग्रिफिथ साइंटिस्ट है उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, उसका बायोकेमिकल नेचर तीन और साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि कौन सा मटेरियल जो ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सा था, वो तीन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ओसवाल्ड एवरी, सेकेंड जो साइंटिस्ट है वो कोलिन मैक्लियोइड और मैकलिन मैकार्टी। ऐसे तीन साइंटिस्ट ने मिलके ड्यूरेशन में लिख लो यहाँ पे कि उनका जो ड्यूरेशन था वो था 1933 से लेके 1944 तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं। ओके, कहाँ से कहाँ, 1933 से लेके 1944 तक एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये परफॉर्म किए हैं। ओके, उन्होंने क्या किया कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका उन्होंने क्या निकाला है, बायोकेमिकल नेचर उन्होंने डिस्कवर किया है। ओके, उन्होंने सेट ऑफ, उसमें भी सेम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन्होंने प्योरीफाई किया है हिट किल एस सेल, जो हिट किल माइस था ना, जो हमने हिट किल एस बनाया था आगे, उसमें से ब्लड निकाला। ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इसके अंदर तीन चीजें रखी, आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। बाकी जो तीन चीजें थी ना, बाकी किस चीज, जैसे कैसे हो सकती है, लिपिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद उन्होंने वो जो सैंपल था उसको ऐसे तीन टेस्ट ट्यूब में ले लिया, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर हो गए तीनों की तीनों। ओके, सिर्फ जो हमने कलेक्शन किया है उसमें तीन चीजें ही बाकी है, कौन कौन सी है, आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। ओके, नाउ दे ऐड सम डाइजेस्टिव एंजाइम इन देयर, उन्होंने ऐड किया, जैसे यहाँ पे तीन चीजें तो थी ना, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, उन्होंने एक एंजाइम ऐड ऑन किया। कौन सा एंजाइम ऐड ऑन किया है, प्रोटीएज। प्रोटीएज का काम क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। ओके, चलो बताओ कि हम यहाँ पे प्रोटीएज डालेंगे, प्रोटीन की तो ब्रेकडाउन हो गई है, अब क्या बचेगा यहाँ पे, आरएनए बचेगा और क्या बचेगा, डीएनए। अब सेकेंड टेस्ट ट्यूब में देखो कौन सा एंजाइम ऐड ऑन किया है, आरएनएज। आरएनएज का मेन काम क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ आरएनए। अब बताओ कि ये टेस्ट ट्यूब में रिमेनिंग चीज कौन सी रह गई, चलो फटाफट बताओ, आरएनए को तोड़ दिया तो बाकी क्या बचा, प्रोटीन बचा ना, और क्या बचा, डीएनए। ओके, जो थर्ड सेट था डीएनए हमने डाला एंजाइम्स, तो अब डीएनए डालेंगे तो ये किसकी ब्रेकडाउन कर रहा है, डीएनए की ब्रेकडाउन कर रहा है, तो इसके अंदर कौन सी चीजें बचेगी फटाफट से बताओ, अब डीएनए नहीं बचेगा ना, अब बचेगा क्या, प्रोटीन बचेगा और आरएनए। ओके, अब देखो कि ये जो तीन टेस्ट ट्यूब्स थी, तीनों में से किसके पास डीएनए नहीं है, लास्ट के पास ना। ओके, अब देखते हैं कि ये जो हमने ये एंजाइम्स डालने के बाद इसके अंदर हम मिक्स करते हैं, जो हमने फोर्थ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया ना, उसमें हमने क्या ऐड ऑन किया था, हिट किल एस टाइप प्लस आर स्ट्रेन, तो अब इसमें हम ऐड ऑन करेंगे आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मिक्स करके फिर माइस को देंगे, जैसे आगे देखते हैं। देखो ये रहा, देखो यहां पे प्रोटीएज डाला गया, आरएनएज और डीएनएज, अब यहां पे हम आर स्ट्रेन के साथ इसको मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद हम किसको दे रहे हैं, माइस को दिया जाएगा ये, यहां से हम एक इंजेक्शन लेके फिर किसको देंगे, माइस को।
ओके, अब बताओ कि यहाँ पे माइस जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, सोचो क्या होगा इसमें। अब प्रोटीज डाला था हमने, तो प्रोटीन टूट गया, बाकी क्या बचा, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए तो है ना इसमें, अब डीएनए क्या अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ने वाला है? अभी तो हमें पता है कि ना वो अपनी प्रॉपर्टीज नहीं छोड़ता है। तो डीएनए की वजह से जो आर टाइप जो सेल थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एस टाइप में, और एस टाइप में कन्वर्ट हो गए तो माइस की क्या हो जाएगी, ऑब्वियस डेथ ही हो जाएगी ना। यस, सेकेंड में हम देखे हमने क्या डाला था, आरएनएस, तो बाकी क्या बचा यहाँ पे, चलो चलो फटाफट बताओ, आरएनएस डाला है तो क्या बचेगा, बचेगा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन एंड डीएनए। यहां पे भी डीएनए सेम, एस जो आर टाइप है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एस टाइप में, माइस की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। मतलब कि ये दोनों जो टेस्ट ट्यूब है वो किसे फॉलो कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। मतलब कुछ ट्रांसफर होके कुछ फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं ना। अब थर्ड टेस्ट ट्यूब पे देखो कि जब हमने डीएनए एड ऑन किया तो यहां पे क्या बचा था, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन एंड आरएनए। अब ये दोनों बचे हैं और फिर इसको माइस को दिया गया है इसमें से एक इंजेक्शन, तो माइस जिंदा रह रहा था ये कंडीशन में। तो ये इससे हमें क्या समझ आता है, द डीएनए इज अ मटेरियल विच इज ट्रांसफर फ्रॉम हिट किल एस टाइप इनटू द आर टाइप, सो दैट आर टाइप इज कन्वर्ट इनटू द एस टाइप। ओके, और एस टाइप कैसा था, टॉक्सिक इन नेचर, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो रही थी ना। तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि भाई डीएनए ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा है, ओके, और जिसकी वजह से ही फिजिकल कुछ चेंजेस आते हैं। ओके, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ जो बायोकेमिकल नेचर हमने देखा, डन। ओके, ओके, तो हमने ये जो पूरा पढ़ा उसके अंदर हमने इतना तो प्रूफ कर दिया कि जो ग्रिफिथ साइंटिस्ट है उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया उसमें कौन सा मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, तो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। पर इसके बाद भी ये जो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो ये थ्योरी को डिस अप्रूव मान रहे थे कि ना डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो और भी कंफ्यूजन बढ़ रहा था उस टाइम पे, तो और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि एज अ प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो उसके बारे में भी एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है एनसीईआरटी, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, okay?